हेलो व्हाट्स अप गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है इनफिनिट टॉक्स के एक नए एपिसोड में, जिसमें आपके लिए आए सेक्रेट गेम्स बाय नेटफ्लिक्स। और इसके लीड रोल में है सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज अ विलन और सैफ अली खान एज अ हीरो जिसके लिए कास्ट किया हुआ। और नवाज के लिए तो नवाज फेमस ही अपनी एक्टिंग के लिए, सबको पता है भाई। मैं बहुत बड़ा पर्सनली बहुत बड़ा ज्यादा फैन हूं, मैं भी बहुत बड़ा ही फैन हूं, बाकी बहुत सारे ही फैन हैं उसके तो। बट यार एक पता है अंडररेटेड एक्टर है वो थोड़ा मेरे हिसाब से, ये मैं कहूँगा। तो भाई नेटफ्लिक्स की सीरीज है, अब हमें पता है नेटफ्लिक्स कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है एज अ स्ट्रीमिंग। तो अब सीन ये होता है कि मतलब ट्रेलर सीक्रेट गेम्स के बारे में हमें क्या पता है, एक ही ट्रेलर निकाला है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। 6 जुलाई 2018 में रिलीज हो जाएगा वो, तो हमें क्या पता है एक ट्रेलर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, क्या क्या पता चला है। ट्रेलर खुलता है, उसके बाद हम देखते हैं कि सैफ अली खान को एक फ़ोन आता है कि तेरा शहर 25 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी फ़ोन करता है। हाँ, और उसके बाद सैफ अली खान अपने एक बड़े ऑफिसर को रिपोर्ट करता है और वो उसे कहता है कि सर ऐसी किसी ने वार्निंग दी है और अब हमें क्या करना चाहिए, आप बताइए। तो उसके बाद एक और फ़ोन आता है सैफ अली को, दोबारा नवाज करता है, वो कहता है कि मैं तेरे बाप को जानता था। तो कहता है तू मेरे बाप को कैसे जानता है, तो एक डायलॉग मार देता है। वो डायलॉग सुनने के लिए भाई ट्रेलर देख लो, बढ़िया सही है। और ये मेरे को पता है मेरा क्या आइडिया है कि एक रमन राघव मूवी आई थी इसकी, नवाज की, थोड़ा वैसा सा प्लॉट लग रहा है मेरे को। ये रमन राघव अगर आपने देखी है तो वो भी थोड़ी ऐसी सी है, थोड़ी मिस्टीरियस ही प्लॉट होता है और ये पूरा सस्पेंसफुल है। हाँ, थ्रिल सस्पेंस सही है, मतलब काफी अच्छा हुआ है। और इसका जो मेन टाइटल सॉन्ग है वो डिवाइन ने बनाया है, 25 को क्या काम 25 नाम है इसका। जो पीछे अगर बैकग्राउंड सॉन्ग अगर आपको सर्च करना है, डिवाइन का गाना है काम 25 नाम से, उसने इसका टाइटल ट्रैक दिया है जो ट्रेलर में चल रहा होता पीछे। तो सीरीज काफ़ी सही होने वाली है, ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। 6 तारीख को रिलीज लग रहा है, काफ़ी थ्रिलिंग और सस्पेंस, थ्रिलिंग और सस्पेंस तो होगा ही भाई। और नवाज की एक्टिंग तो नंबर वन है ही, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं, तो जाना ही जाना है बस, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी नेटफ्लिक्स पे हमें पूरा पूरा भरोसा है कि स्क्रीन प्ले वगैरह अच्छा लिखा हो उन्होंने, डायलॉग्स अच्छे होंगे, राइटिंग वगैरह अच्छी होगी, स्टोरी लाइन अच्छी होगी। लेकिन अब मेरे को ये नहीं पता 8 एपिसोड गए 10 एपिसोड गए, मेरे ख्याल से शॉर्ट सीरीज होगी, 8 एपिसोड का होना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी तो ज़्यादा मतलब पता चल जाएगा हमें जिस दिन सीरीज आएगी, बट मेरा जितना स्पेकुलेशन है 8 एपिसोड होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जितने भी एपिसोड होंगे बढ़िया। हाँ वो तो है यार, ये तो ऑब्वियस बात तो हमें पता ही है कि नवाज तो है ही अपना, कोई भाई हराम खोर वाला डायलॉग बहुत ज़्यादा चल रहा है इन दिनों नेट पे, समझ गए होंगे सारे किसकी बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक आप करिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब और हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक जो भी तुम करो।